हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सुबह के 9:45 हैं, नहा धो के हम रेडी हो गए हैं। रेडी कहाँ है, अभी तो टी शर्ट और कच्छा ही पहना है। तो वैसे आज मैं नहा लिया हूँ, लेकिन नहाने में वो मज़ा नहीं आया। बस ये है, एक शरीर पे पानी डाल लिया है, नहीं कुछ शैम्पू साबुन वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया, क्योंकि हाथ में चोट लगने की वजह से ना ये हाथ तो मेरा एकदम न्यूट्रल हो गया है, काम ही नहीं कर रहा है। बस दो जोड़ी कपड़े इकट्ठे हो गए हैं धुलने के लिए। परसों जो कपड़े पहने थे वो कल धुलने थे, लेकिन कल नहीं धुल पाए क्योंकि कल ही चोट लग गई थी सुबह ही। और कल जो कपड़े पहने थे वो आज धुलने चाहिए थे, वो भी आज नहीं धुल पाए क्योंकि आज तो दर्द थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो दो जोड़े कपड़े तो इकट्ठे हो गए हैं, और पता नहीं कल क्या होने वाला है, कल भी काम करेगा या नहीं करेगा। पता नहीं कितने कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे, सबके सब एक साथ धोने पड़ेंगे। काफ़ी दिनों बाद फुलवारी में फूल देखने को मिले हैं। एक फूल तोड़ लें क्या, इसको तोड़ लेते हैं, बढ़िया लग रहा है। तोड़ तो लिया, वैसे किसको दें, चलो हमें ही ले लेते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर नाक में कोई फुंसी हो जाए ना, तो दो तीन दिन कोई भी फूल हो एक्स वाई जेड किसी भी पेड़ का, तो ऐसे सूंघ लो, फुंसी गायब, ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे लगी अभी बहुत ज़ोर की भूख, और मम्मी ने रोटी बनाई नहीं, आज काफ़ी लेट हो गए, 10 बज गए खाना बनाने को। सब्जी तो हम बना चुके हैं, आज हमने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है, बहुत ही बढ़िया, माय फेवरेट। थाली तो मैंने सजा ली, यहाँ से रोटी रख ली, अब चलते हैं अपने स्थान पर, वहीं बैठ के खाएंगे आराम से। यहाँ पे रखा है बहुत सारा सामान, दूसरी वाली घाट पे चलते हैं। हल्की हल्की बारिश हो गई है शुरू, तो हुआ ऐसा बारिश अचानक हो गई शुरू, हमको ध्यान नहीं था कि भैंस बाहर बंधी हुई है। किट्टू ने बताया मम्मी को कि नानी भैंस तो बाहर बंधी हुई है, मम्मी ने हमको बोला कि तुरंत भैंस को अंदर बांधो, तो हम बरसते हुए मेमे ही निकल पड़े भैंस को अंदर बांधने, तो इसके चक्कर में हम भी थोड़े से भीग गए। मम्मी ने कहा इसको पहले ही दो तीन दिन पहले ही इसका बुखार ख़त्म हुआ है, कहीं भीगने के चक्कर में दोबारा बुखार ना आ जाए। और बारिश बढ़ रही है धीरे धीरे, पढ़िया कहीं खूटा ना हो, घाटने में कोई आको डराए। फिर रेख रही उधर देख देख के रेख रही कि वहाँ बांध दिए, और हमको बांधा नहीं, उसको बांध दिया। अब ये जो बारिश हो रही है ना, ये अच्छे को ना हो रही, ये नुकसान के लिए हो रही है। लोगों की फसलें खड़ी हैं पकी हुई, वो ख़राब हो जाएंगी, और अगली फसल बोने की तैयारी भी नहीं हो पाएगी ढंग से, क्योंकि पहले ही खेत भरे पड़े हैं पानी से। जो तड़के कुआर में तो गरिया कर कर जा, गरिया तो करे दे बयान मौज कर दे। ओ हो हो हो, जबरदस्त बारिश हुई, और इतनी तगड़ी बारिश हुई कि बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ है फसल को। 12:45 बारिश बंद हो गई, उसके बाद फिर मैं सीधा घर आ गया, माहौल ठंडा हो गया, आके सो गया। 2.5 घंटे के बाद जगा हूँ, 2:15 बजे मैं जग गया था, अभी बज रहे हैं 2:45। खाना खाने के तुरंत बाद मैं आपसे किसी विषय में बात करने वाला था, लेकिन खाना खाते ही बारिश हो गई शुरू, उसकी वजह से वीडियो बन नहीं पाए, तो अब बता देता हूँ। एक श्रीमान का कमेंट आया था, कमेंट में कह रहे थे कि भाई आपका खाना एकदम अजीब होता है, आप कभी दाल चावल खाते नहीं। भैया हमारे यहाँ दाल चावल नहीं खाया जाता, हम रोटी सब्जी खाते हैं डेली सुबह शाम दोनों टाइम। घेर में आया हूँ, यहाँ पर एकदम खुला माहौल, अभी भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देखो ऐसा लग ही नहीं रहा कि आज बारिश हुई, एकदम साफ हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा पानी भरा हुआ है बस। तो थोड़ी चावल के बारे में बात चल रही थी, तो हम चावल बनाते हैं, लेकिन कभी कभी हिंदी की व्याकरण में जैसे अपवाद नाम का एक शब्द होता है ना, इस प्रकार से हमारे चावल बनाए जाते हैं, उसमें भी दाल नहीं बनाई जाती, और हमारे चावल बनाए जाते हैं कोई तीज त्यौहार पे, यानी कि जब त्यौहार होता है, जब कभी कभी बनाए जाते हैं त्यौहार पे भी, ऐसा नहीं कि हर त्यौहार पे चावल बनाए जाते हैं। और दूसरी बात यह, चावल को हम दाल के साथ
बस अपवाद के रूप में खाते हैं। तो चावल जब बना लेते हैं ना, तो चावल को हम घी और पूरी के साथ खाते हैं, बड़ा ही मज़ा आता है। ले यहाँ पकड़ पिलक यहाँ पे, चल आराम से चलियो, चल आराम से चल बस यहीं छोड़ दे, आराम से धर दे, बस देखो वीडियो तो मैंने रिकॉर्ड कर ली, पर तुम कहाँ ध्यान दें भाई, मेहरबानी की बातचीत है तो चलती रहे। मम्मी चाय तो ज्यादा है, भरगो ये तो यम बच रही है भाई। और आज किट्टू की नई गुड़िया भी आ गई, दिखाना कैसी गुड़िया है। ये तो तुम दोनों को आशीर्वाद दे रही है, आशीर्वाद ले लो दोनों। तो इधर रखो, ये कहाँ है पकड़ियो, गुड्डा छोटो सा लाला। ओ बाल नहीं, ओ अनु देखियो छोटो सा लाला भी है ही, तो ले ये लाला तू रख ले, तू खिला लेगी लाला है, बाल नहीं ना के बाहर ना है तो टटलो है, टटलो लाला है। और का लेके आई बाजार से, मूंगफली और बुलाया खुट पापड़ी, खुट पापड़ी मशीन से करवा के लाए, सब काम है कि बढ़िया है ना। गुड़िया के रुपया क्या ही, 20 रुपया की। और लाला इधर संग आयो, एक संग एक फ्री। मम्मी आप बांध लूं क्या मैं तो कौन सा काम करना हो, तो ढोल लेने से दे दो एक ऐसी लगा के नहीं, हम सुबह से दर्द है रोम में, कोई काम ना आ रहा हाथ से, डेढ़ घंटा आया तो ऐसी लेके ढोलू ऐसे हाथ ऐसे दो करके रात को जाते और लगा के एक लग। चलो ठीक, इंद्रदेव फिर से मेहरबान हो रहे हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी फिर शुरू कर दी है। हम तो पहले से बारिश से परेशान हैं और ये जनाब रुक ही नहीं रहे। अभी पहुंच ना रोक रही भैंस, बंद गई है जब वो। अभी शाम के 5 बजे हैं, सेवैयाँ खा लेते हैं, उसके बाद फिर 8-9 बजे तक रोटी खा लेंगे। आज मम्मी ने दो बड़े बड़े कटोराम कर दिए, ये तो मेरे लिए देखो कितना बड़ा कटोरा है, इसने पिताजी के लिए। वैसे तो मेरे हाथ में की दवाई लगी हुई, लेकिन फिर भी दोनों हाथों में पकड़ के ले जाता हूँ, मुझे वहाँ पर लेके जाना है, टीन में बैठे हैं पिताजी। रात के बज गए हैं 8:30 और मुझे अब तक भूख नहीं लगी है। मैं सोच रहा था कि 7-8 बजे तक तो भूख लग जाएगी, 5 बजे से मैं ये खाई थी, अभी तक भूख नहीं लग पाई है। अभी मैं घर हूँ, मम्मी ये घेर में, मम्मी फ़ोन कर रही हैं कि आओ जल्दी से खाना खा लो। तो चलिए कुछ थोड़ा बहुत भोजन कर लेंगे नोहरे में पहुँच के, नोहरे में लाइट की थोड़ी सी कमी रहती है, इसलिए रात की वीडियो में घर पर ही शूट करता हूँ। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, कमेंट करके बताइएगा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।